द्रौपदी मुर्मू शिक्षण से राष्ट्रपति पद की जीत तक की यात्रा। 20 जून 1958 को जन्मी द्रौपदी मुर्मू भारतीय राजनीति में एक प्रमुख हस्ती के रूप में उभरी और 15वें राष्ट्रपति के रूप में देश के सर्वोच्च पद तक पहुंची। एक शिक्षक से भारत के राष्ट्रपति तक की उनकी यात्रा लचीलापन, समर्पण और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ओडिशा के रायरंगपुर के उपरबेड़ा गांव में एक संताली परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू का प्रारंभिक जीवन ग्रामीण भारत में निहित था। उनके पिता बिरंची नारायण टुडू एक किसान और ग्राम परिषद के पारंपरिक मुखिया थे। विनम्र शुरुआत के बावजूद युवा पुति टुडू, जैसा कि उसका शुरू में नाम रखा गया था, ने कम उम्र से ही प्रतिभा दिखाई। अपने स्कूल शिक्षक द्वारा द्रौपदी का नाम बदलकर उन्होंने अपनी शैक्षिक यात्रा शुरू की। अपने गांव में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च अध्ययन के लिए भुवनेश्वर चली गईं। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा गर्ल्स हाई स्कूल यूनिट 2 से पूरी की और बीए की उपाधि प्राप्त की, रमा देवी महिला कॉलेज से डिग्री। इन प्रारंभिक वर्षों ने शिक्षा और सार्वजनिक सेवा में उनके भविष्य के लिए आधार तैयार किया। प्रारंभिक कैरियर और त्रासदी। द्रौपदी मुर्मू का व्यावसायिक जीवन 1979 से 1983 तक ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में शुरू हुआ। इसके बाद वह रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में एक शिक्षक की भूमिका में आ गईं, जहां उन्होंने हिंदी उड़िया पढ़ाया। 1994 से 1997 तक गणित और भूगोल। शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के बावजूद 2009 और 2015 के बीच अपने पति, 2 बेटों, माँ और 1 भाई की असामयिक मृत्यु का सामना करने के कारण उन्हें व्यक्तिगत त्रासदी का सामना करना पड़ा। इस चुनौतीपूर्ण समय ने मुर्मू के लचीलेपन का परीक्षण किया और व्यक्तिगत नुकसान से उबरने की उनकी क्षमता एक निर्णायक पहलू बन गई। उसके चरित्र का राजनीतिक उत्थान। द्रौपदी मुर्मू का राजनीति में प्रवेश 1997 में शुरू हुआ, जब वह महिलाओं के लिए आरक्षित सीट से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद चुनी गईं। बाद में वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गईं और 2000 में ओडिशा विधानसभा चुनाव में रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। 2000 से 2009 तक ओडिशा विधानसभा में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और बाद में मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास सहित विभिन्न मंत्री पदों पर कार्य किया। मुर्मू के समर्पण और उपलब्धियों पर किसी का ध्यान नहीं गया और 2007 में उन्हें ओडिशा विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार मिला। झारखंड के राज्यपाल 2015 से 2021। द्रौपदी मुर्मू ने 2015 में इतिहास रचा जब उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनी। उनके 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने 2019 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद की शपथ दिलाई। हालांकि आलोचनाएं सामने आईं, विशेष रूप से 5वीं अनुसूची और पंचायतों के तहत आदिवासी समुदायों के लिए स्वशासन अधिकारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में उनकी कथित निष्क्रियता के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996, आदिवासी भूमि कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों के विरोध में पत्थलगड़ी आंदोलन ने मुर्मू की भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित किया। संशोधनों के खिलाफ ज्ञापन प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने शुरू में हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे आदिवासी समुदायों के खिलाफ पुलिस की आक्रामकता पर नरम रुख अपनाने का आरोप लगा। आखिरकार 2017 में उन्होंने विधेयकों पर सहमति देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें वापस लेना पड़ा। राष्ट्रपति पद की जीत।
जून 2022 में द्रौपदी मुर्मू की राजनीतिक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई जब उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया। विभिन्न राज्यों के दौरे और कई राजनीतिक दलों से समर्थन हासिल करने के बाद उनका अभियान 21 जुलाई 2022 को उनकी जीत में परिणत हुआ। मुर्मू ने कुल चुनावी वोटों के 64.03% के साथ विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर निर्वाचक मंडल में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। 26 जुलाई 2022 को उन्होंने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और इस पद को संभालने वाली भारत के नामित आदिवासी समुदायों से पहली व्यक्ति बन गईं। राष्ट्रपति की पहल। राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने प्रमुख कार्यक्रमों को शुरू करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। सितंबर 2022 में उन्होंने देश से तपेदिक को खत्म करने के उद्देश्य से एक पहल प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत शुरू की। इसके अतिरिक्त वह कर्नाटक में 10 दिवसीय राज्य उत्सव मैसूर दशहरा का उद्घाटन करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी। विभिन्न राज्यों की उनकी यात्राएं, विकास परियोजनाओं में भागीदारी और समारोहों में भागीदारी ने जमीनी स्तर के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। विशेष रूप से अप्रैल 2023 में उन्होंने सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी। ऐसा करने वाली वह तीसरी राष्ट्रपति बनी। मान्यता एवं सम्मान। द्रौपदी मुर्मू के योगदान को भारत की सीमाओं से परे भी मान्यता मिली है। जून 2023 में उन्हें सूरीनाम द्वारा मानद ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो उनके वैश्विक प्रभाव और मान्यता को उजागर करता है। निष्कर्ष। द्रौपदी एक शिक्षक और स्थानीय पार्षद से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक मुर्मू की यात्रा उनके समर्पण, लचीलेपन और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। स्वास्थ्य देखभाल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पहल से चयनित उनकी अध्यक्षता एक समावेशी और प्रगतिशील भारत के लिए उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है। जैसा कि राष्ट्र उनके नेतृत्व के प्रभाव को सामने आता देख रहा है, द्रौपदी मुर्मू की कहानी महत्वाकांक्षी नेताओं और सफलता की राह पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करती है।